स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आईफोन से एंड्रॉयड में और फिर एंड्रॉयड से टैब में और या फिर किसी भी इकोसिस्टम में फाइल कैसे शेयर करेंगे उसे जानेंगे, वो भी बहुत ही इजी मेथड में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए मैं यहाँ पे इसके फीचर्स की फिलहाल बात करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे फीचर्स में बहुत सारे हमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रिसीव, सेंड और यहाँ पे सेटिंग्स। सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि थीम, कलर, लैंग्वेज, क्विक सेव, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन अगर आप एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, यहाँ पे डिफॉल्ट डाउनलोड से रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एक डेस्टिनेशन दे दीजिएगा। इवन यहाँ पे एडवांस सेटिंग में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों डिवाइस टाइप और यहाँ पे आप डिवाइस मॉडल वगैरह भी देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे डिवाइस टाइप ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों बहुत सारे हमें डिवाइस टाइप में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ोन, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर। आप यहाँ पे पोर्ट नंबर भी चेंज कर सकते हैं, इवन मॉडल नंबर भी। यहाँ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स दिया गया आप उसे ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उस पर ये ऐप बहुत ही बेटर परफॉर्म करता है। इस ऐप में दोस्तों हमें डोनेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इसीलिए हमें यहाँ पे डोनेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए मैं यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और भी मैं इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरे पास ये एक एंड्रॉयड टैब है, इसमें मैंने सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है। अब मैं इसे ओपन किया हूँ। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं रिसीव, सेंड और सेटिंग। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं रिसीव, सेंड और सेटिंग। चलिए मैं इसे सेंड पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी आप यहाँ पे हर एक ऐप डिवाइस पे यहाँ पे ना एक यूनिक नेम आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पे सीक्रेट पम्पकिन लिखा हुआ है। और मेरे फ़ोन पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे स्ट्रांग पिच लिखा हुआ आ रहा है। गैस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरफेस का अगर मैं बात करूँ तो फिर यहाँ पे फ़ोन में इंटरफेस अलग दिख रहा था, आपको टैब में अलग दिख रहा है। तो अगर आप जस्ट इसे रोटेट कर लेंगे तो आपको सेम टैब की तरह यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अपने फ़ोन से कुछ डाटा टैब में ट्रांसफ़र करता हूँ। एक्चुअली मेरे टैब में कुछ डाटा है नहीं, इसीलिए मैं टैब से ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस दिख रहा है नीचे सीक्रेट पम्पकिन के नाम से। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा। यहाँ पे बहुत सारे हर एक मीडिया फाइल्स को मैं यूज़ कर लूँगा। सबसे पहले बेसिकली इसमें करना क्या है आपको कि इसमें हर एक फाइल को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। जैसे कि आपको कोई फोटो जो भी सेंड करना है उसे ऐड कर लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन है उसे एक सिलेक्ट कर लीजिए। इवन आपको कोई टेक्स्ट मैसेज वगैरह भी डालना है आप वो भी डाल दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपको ऐड ऑप्शन दिख रहा है, इन सबको एक एक करके आपको ऐड कर लेना है। बेसिकली जो एक फाइल बन जाएगा जो आपको पर्टिकुलरली एक एक सिलेक्ट करके यहाँ पे एक बकेट जैसा आपको तैयार कर लेना है। तो मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे अप्रॉक्स मैंने सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया है, मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं एक मैंने वीडियो, इमेज एंड इवन एक एप्लीकेशन और एक टेक्स्ट मैसेज ऐड कर दिया है। चलिए अब यहाँ पे मैं सेंड कर लेता हूँ अपने टैब पे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं सेंड इनिशिएट हो गया, मैं अपने टैब को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग पिच के डिवाइस से यहाँ पे एक कुछ फाइल ट्रांसफर यहाँ पे करने के लिए दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग पिच वॉन्ट्स टू सेंड यू 4 फाइल्स। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पे परमिशन दे दीजिए। जैसा कि आपको पता ही है न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल किया गया हमने, तो फिर यहाँ पे हर एक फाइल ट्रांसफर्स के लिए बेसिकली एक परमिशन लेता है जिसमें स्टोर कर सके हमारे डाटा को। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन अभी ये सेंड हो रहा है। यहाँ पे आपको दोस्तों ये एक्चुअली बहुत ही फास्ट फाइल ट्रांसफ़र होता है। अगर आप इसमें हॉटस्पॉट से किसी भी एक डिवाइस को अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लीजिए और फिर ये डिवाइस से फाइल ट्रांसफ़र कीजिए। बेसिकली यहाँ पे आपको कम से कम 5 to 6 Mbps से यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र देखने को मिल जाता है। अभी एक्चुअली मैंने यहाँ पे सेम वाईफाई नेटवर्क यूज़ किया है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्लो स्पीड मिलता है। बेसिकली 2 or 3 Mbps से यहाँ पे स्पीड मुझे मिला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे डन कर लीजिए। अभी ये सब जितने भी फाइल्स आपको सेंड किया गया था ये आ गया है। यहाँ पे चलिए मैं आपको ये हिस्ट्री में एक चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हमें रिसीव हुआ है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे फाइल्स वगैरह यहाँ पे सब आ गए। एप्लीकेशन पे क्लिक किए तो हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन का सीधा ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं वो टेक्स्ट भी ओपन करना चाहूँगा जो मैंने अपने पिछले डिवाइस से सेंड किया था। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को ओपन करता हूँ। आपको टेक्स्ट ओपन करने के लिए सिर्फ वो टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे एक HTML या फिर क्रोम आप कोई भी एक ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे HTML व्यूअर को ही ओपन कर लेता हूँ। इसमें हमें टेक्स्ट मोड दिख जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो आई एम सेंडिंग दिस टू टेस्ट द ऐप एंड शो द ऑडियंस हाउ इट्स वर्क। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आईफोन भी एक मैंने ले लिया है। यहाँ पे आप दोस्तों मेरे सभी फ़ोन डिवाइसेस के नाम पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सीक्रेट पम्पकिन एंड ग्रेट ब्रोकी, और इस एंड्रॉयड फ़ोन में आप वो दोनों नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसे बनाता है, इस एप्लीकेशन को बहुत ही यूनिक बनाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा ग्रेट ब्रोकली मेरे एंड्रॉयड के फ़ोन में भी व्यू हो रहा था। चलिए मैं यहाँ पे एक फाइल ट्रांसफ़र करके इसमें दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऐड किया हुआ था ऑलरेडी और जस्ट सेंड किया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे फ़ोन में रिसीव हो गया है। मैं चलिए यहाँ पे गैलरी में यहाँ पे जाके आपको दिखा देता हूँ वो फाइल। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ ओपन किया, ये देखिए मैंने ये एक फ़ाइल यहाँ पे इसमें सेंड किया हुआ था। ओपन मैं कर लेता हूँ इसे। ये देखिए यहाँ पे ये फाइल मैंने सेंड किया था, जो कि मेरे आईफोन में बहुत ही इजीली आ गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब यही सेम चीज़ हम अपने आईफोन के साथ करेंगे। अभी हम आईफोन से एंड्रॉयड में डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे फटाफट सेटअप कर लेता हूँ, एक फाइल मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फाइल ऐड कर लिया। एक्चुअली यहाँ पे ये फाइल 1.4 GB है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और इस वीडियो बहुत लंबा कर देगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फाइल ऐड कर लूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट कर लिया है। चलिए अब मैं यहाँ पे इसे कंफर्म करके सेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंफर्म किया मैंने। अब यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ, अपने डिवाइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग पिच को। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पिच मैंने सिलेक्ट किया। बहुत ही इजी इंटरफेस में यहाँ पे हमें एक्सेप्ट का ऑप्शन यहाँ पे आप देखने को मिल गया दोस्तों। ठीक है, जस्ट मैंने एक्सेप्ट किया एंड मेरा फाइल ट्रांसफ़र हो गया। दैट्स इट। ये बहुत ही इजी टू यूज़ एप्लीकेशन और बहुत ही फ्रेंडली है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे डाउनलोड कैसे करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिएगा कि लोकल सेंड, लोकल यहाँ पे लोकल सेंड लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोकल सेंड लिखने के बाद जो सबसे पहले टॉप में आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन डॉट में, इसे आप ओपन कर लीजिए। लोकल सेंड FOSS एयर ड्रॉप, इसे ओपन कर लीजिएगा। कुछ टाइम तक वेट कीजिए दोस्तों और ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे इंस्टॉल हुआ, आप ओपन करके ये एप्लीकेशन यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। ये वीडियो दोस्तों आप उनके साथ शेयर कीजिए जिसके पास आईफोन है और वो एंड्रॉयड के साथ डेटा शेयर करना नहीं चाहते। उनको बताइए कि ये फाइल शेयर बहुत ही ईजी है, अब तो और भी ईजी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। तो जाइए और इसे यूज़ कीजिए और मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों, हम आईफोन में ये कैसे करें। आईफोन में दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, ऐप स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सेम वही लोकल सेंड लिख लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। सेम यही वर्ड आप वहाँ पे टाइप कीजिएगा, आपको सबसे टॉप में ही वो एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ये देखिए लोकल सेंड मैंने लिखा और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जस्ट यहाँ पर लोकल सेंड ग्रीन डॉट सेम आइकॉन वगैरह यहाँ पर है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किया, इसलिए मुझे ओपन ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, आपका फेस आईडी या फिर पास